प्रिय छात्रों नमस्कार। आज हम आपके लिए कक्षा 11 की गणित की हिंदी संस्करण की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक से लिया गया एक त्रिकोणमिति का प्रश्न समझा रहे हैं। ये प्रश्न प्रश्नावली 3.3 का नवा प्रश्न है जो पेज नंबर 81 पर है। आज का हमारा प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कॉस 3π/2+x इंटू कॉस 2π+x इंटू, मतलब इस पूरे से इंटू है, मल्टीप्लाई है, कॉट 3π/2-x प्लस कॉट 2π+x =1। आपको ये सिद्ध करना है RHS में जो व्यंजक दिया हुआ है इस व्यंजक का मान 1 के बराबर है। इस प्रॉब्लम को हम LHS से सिद्ध करेंगे, जैसा कि आपको हमने बतलाया था और आप जानते भी होंगे। जब LHS से प्रॉब्लम को सिद्ध किया हो जाता है तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं LHS और जो LHS होता है पूरा वैसा का वैसा उतार लेते हैं। तो हमने यहाँ पर लिखा LHS और ये LHS जैसा है वैसा उतार लिया। कॉस 3π/2+x इंटू कॉस 2π+x ब्रैकेट कॉट 3π/2-x प्लस कॉट 2π+x। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने जिन जिन सूत्रों का सहारा लिया हुआ है या जिन जिन सूत्रों की सहायता से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी वह सूत्र आपके ये हरे मार्कर से लिखे हुए हैं। एक सूत्र होता है कॉस 3π/2+a बराबर होता है साइन ए के। एक सूत्र होता है कॉस 2π+a बराबर होता है कॉस ए के। एक सूत्र होता है कॉट 3π/2-a बराबर होता है टेन ए के। एक सूत्र होता है कॉट 2π+a बराबर होता है कॉट ए के। और एक सूत्र होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक के। तो पहले हमने इन चार सूत्रों का प्रयोग किया है, बाद में इस सूत्र का प्रयोग होगा। तो इस कॉस 3π/2+x के स्थान पर इस सूत्र की सहायता से हम लिख देंगे साइन x। यहाँ पर a का काम x कर रहा है। फिर इस सूत्र की सहायता से कॉस 2π+x के स्थान पर लिख जाएगा कॉस x, ये ब्रैकेट आ जाएगी आपकी। और इस सूत्र की सहायता से कॉट 3π/2-a बराबर होता है टेन ए के, तो इसके स्थान पर आ जाएगा आपका टेन एक्स, क्योंकि यहाँ पर ए का काम एक्स कर रहा है, प्लस आपका ये आ जाएगा। और इस सूत्र की सहायता से कॉट 2π+a बराबर होता है कॉट ए के, तो आपको यहाँ पर फल प्राप्त होगा कॉट एक्स और ये प्लस का चिन्ह यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। अब इन दोनों पदों को तो हम वैसा का वैसा लिखा रहने देंगे, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ब्रैकेट ही आ गई। इस टेन एक्स के स्थान पर हम लिख सकते हैं साइन एक्स बटे कॉस एक्स, जैसा कि आप जानते हैं टेन एक्स बराबर होता है साइन एक्स बटे कॉस एक्स। और इस कॉट एक्स के स्थान पर लिख देंगे हम कॉस एक्स बटे साइन एक्स। इसका हम एलसीएम लेंगे तो हमें हर में प्राप्त होगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, और ये सिंप्लीफाई करने के बाद अंश में प्राप्त होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हमें लाइन प्राप्त हो गई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स ब्रैकेट साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बटे कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इसके स्थान पर हम एक लगा देंगे, क्योंकि आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक के होता है। ए से मतलब यहाँ पर कोई भी एंगल हो, लेकिन दोनों स्थानों पर एंगल बराबर होना चाहिए। एक जगह साइन का स्क्वायर होना चाहिए, एक जगह कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, तो उसकी वैल्यू एक आती है। क्लियर। तो इसके स्थान पर हमने एक लगा दिया तो हमें लाइन प्राप्त हुई साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू एक बटे साइन कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। इस कॉस एक्स से ये कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा, इस साइन एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, हमारे लिए आंसर प्राप्त होगा एक। क्लियर। तो हमारे लिए RHS में एक लाना था, तो इसका मतलब हमारा हम LHS से चले और प्रश्न को नियमों के साथ हल करते हुए हमें अंत में एक प्राप्त हो गया। तो यहाँ पर लिख देंगे हम बराबर RHS प्रूव्ड इट। इस प्रकार से ये प्रश्न आपका सॉल्व हो जाता है। आप प्रश्नों को कीजिए, समझने का प्रयास कीजिए, नियमों को याद कीजिए, सूत्रों को याद कीजिए।
प्रश्न को सही तरीके से कीजिए, आपके सभी प्रश्न सही जाएंगे। आपका प्रश्न पूरा होता है। मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।